INS चक्र। चक्र जैसी ही गति और चक्र जैसी ही मारक क्षमता, यानी दुश्मन जहाजों का सबसे बड़ा काल। दुश्मन चाहे सीधा हमला करे या पीठ पीछे, जब ये गरजता है तो दुश्मन चाहे कहीं भी छुपा हो, बचना मुश्किल है। ये पाताल में भी छुपे दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ता है कि जब तक वो संभले, समंदर में सांसें टूट चुकी होती हैं। अकुला सेकंड क्लास निरपा एक ऐसी ही अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी है जो भारत ने रूस से 10 साल की लीज पर ली है। इस लड़ाके को विशाखापट्टनम में डिफेंस मिनिस्टर ने भारतीय नेवी में शामिल किया। इंडियन नेवी में शामिल होने पर इसे INS चक्र नाम दिया गया है। परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बी 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से जितना आगे बढ़ती है, उसी तूफानी रफ्तार से ये पाताल की गहराई में जा सकती है और 600 मीटर की गहराई में भी मचा सकती है तबाही। पाकिस्तान और चीन हिंद महासागर में पनडुब्बियों की तादाद बढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हिंद पर नापाक निगाहों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नेवी को ऐसे लड़ाके की सख्त जरूरत थी। इस पनडुब्बी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बिना थके 3 महीने से भी ज्यादा समय के लिए मिशन पर बनी रह सकती है, और वो भी 70 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के साथ। दुश्मन जहाजों का दम निकालने के लिए इस पनडुब्बी में लगे हैं 533 mm और 650 mm के भारी भरकम 4-4 टॉर्पीडो, जिनके आगे किसी का भी बचना नामुमकिन है। इंडियन नेवी में इस जांबाज के शामिल होते ही भारत अब उन राष्ट्रों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पाताल की पहरेदारी परमाणु पनडुब्बियां कर रही हैं। ईटीवी न्यूज के लिए मुकेश सैनी की रिपोर्ट।